हल्के से मिली याकूतपुरा के जवाहर हाई स्कूल शाद मंजिल में मजलिस के जेर एहतमाम और मजलिस के रुकने से मिली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज की जेर निगरानी मेगा जॉब फेयर मुनक़िद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। आज हैदराबाद और ख़ास करके याकूतपुरा के नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में तालीमी तरक्याती तिब्बी सहूलतों के साथ साथ नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए भी सरगर्म हैं। मैं सबसे पहले आज अल्लाह सुबहान ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुबहान ताला ने हल्के असेंबली याकूतपुरा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन को अराकीन को मुहिबान मजलिस को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़ास तौर से नौ मुंतखब शुदा रुकन असेंबली जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब को ये मौका दिया कि याकूतपुरा असेंबली हल्के में यहाँ पर जॉब मेला का इनेकाद अमल में लाया गया जहावर स्कूल और कॉलेज में और 1500 से ज़ायद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारे नौजवानों का और 100 से ज़ायद कंपनीज़ 100 से ज़्यादा कंपनीज़ भी यहाँ पर आई हैं। हमारा मकसद एक ही है कि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे मुल्क में हमारी रियासत में और वतन और शहर हैदराबाद और ख़ास तौर से हैदराबाद के पार्लिमानी हलके में एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, उनको किसी हद तक राहत पहुंचाई जाए, उनको रोज़गार से जोड़ा जाए ताकि वो अपने ज़िंदगी के ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो ये कोशिश है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुरा की जानिब से और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमको इस कोशिश में कामयाबियाँ मिलेंगी। अभी मुझे बताया गया कि कई जो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको ऑफ़र लेटर्स भी दिए जा रहे हैं, दो बजे से ऑफ़र लेटर्स दिए जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि जॉब मिले, नौकरी मिले हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िंदगी के हर शोबेजात में अपने काम कर रही है, खिदमात अंजाम दे रही है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ याकूतपुरे के सदर मुतमदीन को और हमारे जाफर हुसैन मेराज साहब मेले को और जनाब अयूब साहब को कि उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की इस बिल्डिंग को दिया ताकि हम यहाँ पर इस जॉब फेयर को कर सकें और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में हल्के असेंबली बहादुरपुरा में भी एक वक्त तय करके वहाँ पर भी इस तरह का एक जॉब फेयर किया जाएगा। पूरी कोशिश यही है कि नौजवानों को सही राह दिखाई जाए, नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं या जो टेंथ पास भी हैं या जो इंटर पास हैं उनको भी यहाँ पर आकर वो कोशिश करें और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस तरह के जॉब फेयर में जॉब मेला में आप आएँ, कोशिश करें जहाँ पर जितने कंपनीज आ रही हैं ताकि आपको आपके पसंद और आपकी काबिलियत के मुताबिक आपको नौकरी मिल सके। तो ये कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरफ से की जा रही है और इंशाअल्लाह ताला जब तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी जब ये ऐलान होगा गवर्नमेंट की नौकरियों का, उस वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उसमें अपना एक रोल अदा करेगी और नौजवानों को ट्रेनिंग हो या उनको रहबरी हो गन गाइड करना हो उसमें भी करेंगे। आप जानते हैं कि मजलिस की तरफ से कांस्टेबल्स का रिक्रूटमेंट हो या एसआई का रिक्रूटमेंट हो उसमें भी मजलिस ने बड़ी कामयाबी से काम किया है। तो आज ये जॉब फेयर एक पहला नामपली में किया गया, वहाँ पर जनाब माजिद हुसैन एमएलए की तरफ से, आज यहाँ पर जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब एमएलए की सरपरस्ती में उनके लीडरशिप में ये काम हो रहा है और आइंदा इंशाल्लाह बहादुरपुरा असेंबली हलके में भी इस तरह की हमें कोशिश करने जा रहे हैं। अल्लाह से दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह इसको कबूल करे और हमारे नौजवानों को जो बड़े परेशान हैं
चाहे नौजवान हमारी बेटियां हों या बेटे हों या लड़के या लड़कियां हों, उनको ये एक मौका मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया।